देसी व्यंजन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं रोहू फिश करी बनाने जा रही हूँ, जो काफ़ी डिलीशियस बनती है। और अमेरिका में ये रोहू फिश पूरा डीप फ्रोजन में मिलते हैं और ये स्टोर वाले मुझे मशीन से काट के देते हैं। ये फ्रेश नहीं होते हैं, इंडिया में फ्रेश मिलते हैं लेकिन ये यहाँ पे इस तरह से डीप फ्रोजन मिलते हैं। फिर इसे हम लोग पूरा हॉट वाटर में इसको पूरा अच्छी तरह से धोते हैं, धो के फिर इसे पूरा फ्रेश बनाते हैं। ये फ्रेश हो गया, अब इसे हम हल्दी और नमक दे के पूरा मैरिनेट करेंगे। ये नमक दे दिया, और ये हल्दी, मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, ये बिल्कुल हॉट हो चुका है। अब मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, क्योंकि फिश को फ्राई करना है इसलिए थोड़ा मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा डालना होगा। सरसों तेल में ही ये बनेगा फिश तो ये ज़्यादा टेस्टी लगेगा। यदि आपके पास सरसों तेल नहीं है तो फिर रिफाइंड से ही बना सकते हैं, वो भी टेस्टी ही लगेगा। अब ये सरसों तेल से धुआं आने लगा है तो अब हम इसे ये मैरिनेट किया हुआ हल्दी नमक में मैरिनेट किया हुआ रोहू फिश को डालते हैं। ज़्यादा ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो ये फिश फूटने लगेंगे। फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल ऑयल बिल्कुल हॉट होना चाहिए, नहीं तो फिर ये तले में लगता है ये मछली और ये फिर पलटने में ये टूट जाएंगे। जैसे अभी मैंने हॉट ऑयल में डाला है तो ये जल्दी जल्दी पलट जाएंगे। देखिए ये मैं करके दिखा रही हूँ आपको, पलट गए। और यदि ये मैं कच्चे तेल में डाल दूँगी तो ये तले से चिपक जाएंगे और फिर ये टूट जाएंगे। हाँ, 5 मिनट के बाद मैं इसे पलट रही हूँ इधर साइड। क्योंकि दोनों साइड से लाल रहेगा तभी अच्छा लगेगा। ये 1 किलो के हिसाब से 2 चम्मच राई लिया है और 7-8 लहसुन की कली दिया है। अब मैं इसे मिक्सी में पीसूंगी। थोड़ा पानी डाल के इसे हल्का सा पानी डाल के तेज पत्ता ली हूँ, ये थोड़ा सा मेथी ली हूँ और 2 साबुत लाल मिर्च ली हूँ। सबको एक साथ मैंने डाल दिया। ये मैंने लहसुन और राई का जो मसाला पीसा था अब उसको मैं डालूंगी इसमें।
दो चम्मच ली हूँ धनिया पाउडर, एक चम्मच ली हूँ जीरा पाउडर, एक चम्मच ली हूँ लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच हल्दी और ये काली मिर्च पाउडर, सबको मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। ये पानी पूरा तेल छोड़ दिया है, अब मैं इसमें पानी डालूंगी, थोड़ा धीमा करके डालना है। नमक आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, जैसे जो ज़्यादा खाते हैं वो ज़्यादा डालें और जो कम, ऐसे फिश में भी मैंने नमक दे के ये किया था इसलिए थोड़ा कम ही डालें तो अच्छा रहेगा। देखिए 10 मिनट मैंने इसे बॉईल कर दिया, ये देखिए बॉईल हो रहा है। अब मैं इसमें जो फ्राई किया हुआ रोहू फिश था वो डाल दूँगा, एक एक करके धीरे धीरे डालना है नहीं तो टूट जाएगा। ये मीडियम आंच करके इसको ढक दे रही हूँ, 10 मिनट में ये हो जाएगा। 10 मिनट हो गया है, ये हो गया है और इसमें हरी धनिया पत्ती थोड़ा सा डाल देंगे, इससे फ्लेवर अच्छा आ जाता है। लास्ट में ये डाल के ये फिश करी तैयार हो गई। ये देखिए तेल छोड़ दिया है, ये इसका मतलब है कि ये हो चुका है। देखिए मैंने सर्व कर लिया, इसे रोटी चपाती नान या राइस के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा ये। फ्रेंड्स यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।